जिला कारागार में महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक डी के पांडे ने बताया कि जेल में महिला बंदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए जीवा फाउंडेशन की तरफ से सिलाई व कढ़ाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वह जेल से बाहर निकलने पर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही टेराकोटा की ज्वेलरी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी के पांडे ने कहा, महिला बंदियों को अभी सिलाई की ट्रेनिंग दे करके जीवा फाउंडेशन द्वारा उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि छूटने के बाद भी वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अतिरिक्त टेराकोटा का भी की ज्वेलरी बनाने का भी प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। सर, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग में दिया जा रहा है, बताइए। 27 बंदियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग कौशल विकास के तहत दिया जा रहा है। इलेक्ट्रीशियन की भी ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा टेराकोटा में